नमस्कार, मैं मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। भाजपा के वरिष्ठ महिला नेता चिटियाला सुहासिनी रेड्डी ने आज पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में विकास कोसों दूर है, आदिवासी लीडरों के जरिए मालूम पड़ा। आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर आदिवासी गांव में रोड नहीं है। और कहा है कि अधिकार पार्टी और उनके फॉलोअर्स जो सत्ता में हैं, उनके लिए रोड बन रहा है, उनके घर तक रोड, उनके गांव में रोड और उनके खेत तक भी रोड बनाया जा रहा है, मगर आदिवासियों को रोड नहीं दे रहे हैं। हम इसका खंडन करते हैं। स्पेशल डेवलपमेंट फंड STSC के लिए आर फंड आ रहा है, लेकिन उनका नाम है और काम इनका हो रहा है। और कहा है कि हम बेला मंडल के हर गांव गांव जाकर देखेंगे गांव में क्या समस्या है, आदिवासियों की समस्या क्यों हल नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम में MBDC ज्योति ओलफवार, गणेश बोनगिनवार, प्रमोद रेड्डी, वेणु गोपाल, प्रमोद शिव किरण मौजूद थे। बेला मंडल के अनेक गांव में आज तक जाने के लिए रोड नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और अपने आदिवासी भाइयों को कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है बोल के कल आदिवासी लीडर बात करे, बहुत बुरा लगा। आज हम 75 इयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे, मगर आदिवासी गांव में रोड नहीं है, मगर अधिकार पार्टी MLA और उनके फॉलोअर्स जो सत्ता में है उनके लिए रोड बन रहा है, जो उनके घर तक गांव में अपने खेती तक रोड बना रहे, मगर आदिवासी को रोड नहीं दे रहे, ये बहुत बुरी बात है। हम इसको खंडन करते हुए आदिवासियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल डेवलपमेंट फंड उनके लिए STs और SCs के लिए जो फंड आ रहा है उनके एरिया में डेवलप करो, मगर आप अक्रम लेआउट में पैसा डाल सकते हो, ये तो गलत है। हम इसके ऊपर पूरा बेला मंडल पर्यटन करेंगे, हर गांव को जाके देखेंगे गांव में क्या समस्या है, आदिवासी की समस्या आज तक क्यों नहीं हल हो रही। अभी तेलंगाना आके दो बार MLA बने, एक बार मंत्री थे, आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम उनके तरफ से डिमांड करते हैं जल्द से जल्द आदिवासी गांवों में आप रोड बना दो, जैसा आप CC रोड अक्रम लेआउट में नहीं तो आपके खेती तक बना रहे वो बंद करके पहले आदिवासी को रोड बनाना, उनके पानी की समस्या हल करना, जो भी डबल बेडरूम और जो भी पोडो भूमि समस्या आप जो 2018 में बोले वो भी हल करना बोल के उनके तरफ से मैं डिमांड करेंगी। जल्द से जल्द हम आज बेला मंडल में पूरा घूम के बेला मंडल के समस्याओं के बारे में जरूरत पड़े तो यहाँ पे धरना करेंगे, कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, MLA से हम डिमांड करते हैं आदिवासी को न्याय दिलाना बोल के, उनके उनके नाम पे जो फंड आया स्पेशल डेवलपमेंट फंड उनको गांव में उनके गांव में डालना बोल के हम डिमांड करते हैं।